अस्सलाम वालेकुम डिफेंस रवर्स। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस्र से 36 मेराज 5 तैयारे वसूल कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले पर बहस चल रही है कि इतने पुराने तैयारे क्यों खरीदे जा रहे हैं, इनमें से कितने तैयारे काबिल इस्तेमाल हैं, क्या इन तैयारों को स्पेयर पार्ट्स के लिए खरीदा गया है। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान ने मिस्र से इस्तेमाल शुदा मिराज 5 तैयारों को ख़रीदने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ 2017 में शुरू किया। ये खबर सबसे पहले अप्रैल 2019 में उस वक्त मंजर आम पर आई जब एक गैर मुल्की अस्करी जरीदे एयरफोर्स मंथली से मुंसलिक सहाफ़ी एलन वार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर की तस्दीक की। इनके मुताबिक ये 36 मिराज 5 तैयारे पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल पहले से मौजूद मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों के लिए स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाएंगे, जबकि कुछ को मुमकिन तौर पर अपग्रेड्स के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। नाजरीन, ये तैयारे मिस्र ने 1973 से 1980 के दरमियान फ्रांस से वसूल किए और इनको 2008 में अपग्रेड किया गया। इस अपग्रेड पैकेज में RC-400 रेडार, पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिजाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, मिशन पार्ट्स और रात को हमला करने की सलाहियत वगैरह शामिल थे। 200 पाकिस्तान ने मिराज तैयारे 1967 में ख़रीदे और फ्रांस से 24 तैयारे 1968 में वसूल किए। 1977 में मिराज तैयारों की देखभाल और ओवरहॉलिंग के लिए मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री का क्याम अमल में लाया गया। हमारे मुताबिक पाकिस्तान की इन मिराज तैयारों को ख़रीदने की मुमकिन तौर पर 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान मिराज तैयारों की अब तक की परफॉर्मेंस से ना सिर्फ मुतमईन है, बल्कि इन तैयारों ने 1971-80 की दिहाई में सर जंग और 2019 में होने वाली कशीदगी तक हर महाज पर अपना लोहा मनवाया। पाक फिजाई में मौजूद सबसे तेज़ रफ्तार इन मिराज तैयारों से कई डीप स्ट्राइक मिशन सर अंजाम दिए गए हैं, जबकि 90 की दहाई में शुरू किए जाने वाले अपग्रेड प्रोग्राम की बदौलत 1997 में इन तैयारों को ग्राउंड अटैक से कसीरुल मकासिद यानी मल्टी रोल तैयारे में बदल दिया गया। इनकी कारकर्दगी के सिलसिले की हालिया मिसाल फरवरी 2019 की कशीदगी थी, जिसमें JF-17 तैयारों के साथ मिराज तैयारों से टोटल 6 ज़मीनी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसके अलावा ये तैयारे पाक फिजाइया की तरफ से समंदरी हदूद की फिजाई निगरानी और हिफाजत पर कई दहाइयों से मामूर रहने वाले वाहिद तैयारे थे। याद रहे कि अपग्रेड्स के बाद पाकिस्तान के पास मौजूद मिराज 5 एग्जॉस्टेड एंटी शिप क्रूज मिज़ाइल दागने की सलाहियत रखते हैं, गो के अब ये प्राइमरी रोल C-802 मिज़ाइल्स के साथ अब JF-17 थंडर दाग कर रहे हैं। ताहम मुतवक्के तौर पर ये मिराज 5 आज भी मसूर एयर बेस पर इस रोल के साथ पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। नंबर 2, मिराज तैयारों को गुज़श्ता 5 दहाइयों और मुमकिन तौर पर मज़ीद 10 साल ज़ेरे इस्तेमाल रखने और पाक फिजाइया की इससे मोहब्बत की दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स को इन तैयारों पर हासिल होने वाला तजर्बा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस से पुर्जों की अदम फरहमी और महदूद वसाइल की वजह से मकामी सतह पर इन तैयारों की देखभाल और ओवरहाल का बेड़ा उठाया। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, लबनान, लीबिया और स्पेन से इस्तेमाल शुदा मिराज 3 और 5 तैयारे हासिल किए, जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ माली लिहाज से फ़ायदा हुआ बल्कि यही तजर्बा बाद में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का पेश खैमा साबित हुआ और आज मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री इस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। पाक फिजाइया के इंजीनियर्स ने जहां इन तैयारों पर कई दहाइयों से मुल्की सतह पर अपनी महारत दिखाते हुए कई अपग्रेड्स की, वहां पहले बयान की गई अपग्रेड्स के अलावा रेडार, एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और रात को हमला करने की सलाहियत से भी लैस किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करने, साउथ अफ्रीका की मदद से फिजा से फिजा में ईंधन भरने और मोटरवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जैसी सलाहियत भी सबसे पहले इन तैयारों से हासिल की। दोस्तों, अब पाकिस्तान एयरफोर्स का इन मिराज तैयारों पर अबूर 5 दहाइयों बाद भी काबिल इस्तेमाल और काबिल भरोसा होने का अंदाज़ा 27 फरवरी को होने वाली कशीदगी से लगा सकते हैं, जब इनसे ज़्यादा जदीद और बेहतर मिराज 2000 तैयारों के साथ मुखालिफ एयरफोर्स अपने हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रही, जबकि इनसे पाक फिजाइया ने अपना काम इंतहाई महारत और खूबसूरती से सरंजाम दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के इंजीनियर्स की इन तैयारों की देखभाल और ओवरहाल से मुतालिक काबिलियत और तजर्बे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हरीफ मुल्क की फिजाइया के सरबराह MiG-21 को 50 साल पुराना होने पर छोड़ने की बात कर रहे थे, वहाँ पाक फिजाइया इन तैयारों को मज़ीद कई साल काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं।
दोस्तों ये तैयारे सही मायनों में पाक फिजाइया के लिए वर्क हार साबित हुए हैं। व्यूअर्स, तीसरी बड़ी वजह वसाइल की कमी है। यही वजह है कि पाकिस्तान इन तैयारों को अभी भी अपने फिजाई बेड़े में रखे हुए है और मुमकिन तौर पर 2030 तक इस फ्लीट को लेकर चलना चाह रहा है। अगर पाकिस्तान के पास वाफिर बजट दस्तियाब हो और फ्रांस को भी कोई एतराज ना होता तो पाकिस्तान की इन तैयारों को रिप्लेस करने के लिए पहली चॉइस रफाल फाइटर जेट होते। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान माजी करीब में कतर और यूएई से मेराज 2000 तैयारों के हवाले से भी बातचीत कर चुका है, जो इन दोनों ममालिक के जेर इस्तेमाल हैं और वो इनको रिप्लेस करने का इरादा रखते हैं। ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। दोस्तों, हमारे ख्याल से मिस्र से हासिल किए जाने वाले इन 36 तैयारों में से ज़्यादातर को स्पेयर पार्ट्स, जबकि कुछ को मकामी सतह पर ओवरहाल और अपग्रेड करने के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाक फिजाइया में इतने लंबे अरसे से मेराज तैयारों के इस्तेमाल और मिस्र से हालिया ख़रीदारी से मुतालिक सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।